Assalamualaikum दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आई एम एस करणी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजार। दोस्तों यहां पर आज फुली पबजी टेस्ट करेंगे, रेडमी A1 प्लस का गेमिंग टेस्ट। गेमिंग फोन है नहीं वैसे, लेकिन यहां पर हम गेमिंग टेस्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि इस फोन का गेमिंग टेस्ट करके बताएं कैसा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करेंगे। तो यहाँ पर A1 प्लस जो है रेडमी का 2GB 32GB के साथ आता है। यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया मीडियाटेक हेलियो A22 का क्वाड कोर चिपसेट है और यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और 60Hz वाला डिस्प्ले। खैर यहाँ पर देखेंगे हम कि कितनी बैटरी ड्रेन करता है। यहाँ पर 42% इस वक्त बैटरी रिमेनिंग है। अब हम देखेंगे कि बैटरी जो है वो कितनी ड्रेन करता है। थोड़ा वॉल्यूम भी ऑन करेंगे और ब्राइटनेस को भी हम थोड़ा नॉर्मल पर ही रखेंगे। फुल ब्राइटनेस जो है वो स्क्रीन में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी बैटरी ड्रेन करता है। यहाँ पर हम TDM टेस्ट करेंगे, टीम डेथ मैच जो है, और उसके बाद पता लग जाएगा कि ये फ़ोन कैसा है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, टाइमिंग भी। और दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने PUBG प्ले की है, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर और हैंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिल रही है। दोस्तों बहुत ज़्यादा हैंग की प्रॉब्लम मिल रही है। ये 2GB 32GB है तो PUBG वगैरह हम लाइट गेम प्ले कर पाएंगे। यहाँ पर PUBG जो है हाई आप जो है वो अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। काफ़ी तो लैग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मिलती है। हम तो बस प्ले कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि बैटरी कितनी ड्रेन करता है, बैटरी में कैसा है। ये पहला किल किया है भाई हमने, इससे पहले बिल्कुल भी हम किसी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। ये देखिए, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन नहीं हम मिल रही ना हमें, प्रोसेसर A22 है और 2GB रैम है, कम अज़ कम 4GB हो रहे हैं। फिर भी कुछ बेहतर होता प्रोसेसर और ज़्यादा हाई होता तो ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह तो ठीक है, ब्राइटनेस मैंने लो की हुई है, ग्रास वगैरह और बंदे वगैरह सारा कुछ ठीक है। डार्क डिस्प्ले नहीं है इस फ़ोन का, ये बात है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बस मसला जो है ये वो यही है आपको मैंने बताया जो, बट फिर भी हम टेस्ट करेंगे कुछ देर तक ताकि पता चल जाएगा। ये देख लिए भाई, तो वॉल्यूम भी हमने ऑन किया हुआ, उस हिसाब से बैटरी भी ड्रेन करेगा। बैटरी देखेंगे कितनी ड्रेन होती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए ऑन नहीं की कि भाई यहाँ पर इतना लैग कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा ये फ़ोन। तो यहाँ पर सेटिंग्स आपको मैंने नहीं दिखाई, सेटिंग्स आप देख सकते हैं कि भाई ग्राफिक्स में यहाँ पर स्मूथ में, मीडियम में और लो में प्ले कर सकते हैं, बैलेंस में भी लो में मीडियम में, HD का ऑप्शन नहीं दिया गया और जायरोस्कोप दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये मैंने चेक कर लिया है।
यहाँ पर दोस्तों पबजी टेस्ट हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पर तकरीबन 19 मिनट हमने प्ले कर लिया है और 37% यहाँ पर बैटरी रिमेनिंग है। यहाँ पर मतलब 5% बैटरी का खर्चा हुआ है। और आप ये ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, लेकिन ये कि गुजारा कर गया है। ओवरऑल ग्राफिक्स वगैरह भी ठीक हैं, ब्राइटनेस भी हमने थोड़ी सी की हुई थी, ज़्यादा नहीं मतलब कि नॉर्मल, और इसके अलावा वॉल्यूम भी हमें ऑन किया था, उस हिसाब से बैटरी का खर्चा 20 मिनट में 5% हुआ है आईपीएस डिस्प्ले के साथ। खैर गेमिंग फ़ोन इसके नहीं कह सकते, लेकिन गुजारे के लिए लो सेटिंग्स में प्ले करना चाहे तो आपका नॉर्मल गुजारा होगा, बाकी हाईलिंग गेमिंग के लिए आपको दूसरा फ़ोन ही खैर लेना पड़ेगा, गेमिंग फ़ोन आप इसे नहीं कह सकते। यहाँ पर ये फ़ोन नॉर्मल है अभी, क्योंकि टेम्परेचर कमरे का नॉर्मल है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।